बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। बेटे, हमने यूनिट नंबर 4 की रीडिंग जो है वो कर ली थी, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स और डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपने वहाँ से लर्न करने हैं, ठीक है? आज हमारा लेक्चर नंबर 4, लर्न टू रीड 1, स्टंट मैन एंड स्टंट वुमेन और पीपल हु। बेटे, स्टंटमैन करतब करने वाले जो आदमी होते हैं और जो करतब करने वाली औरतें होती हैं, और पीपल हु वो लोग होते हैं ट्रेन एक्टर्स टू डू डिफ़िकल्ट एक्ट्स विद आउट हर्टिंग देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना ही मुश्किल अफाल जो हैं वो अंजाम देते हैं। कैन डू डिफ़िकल्ट एक्ट्स विद आउट हर्टिंग देमसेल्व्स, इसमें आपने टिक द करेक्ट एंडिंग, किसी एक को टिक करना है। बेटे, इसमें आएगा ए वाला, ट्रेन एक्टर्स टू डू डिफ़िकल्ट एक्ट्स विद आउट हर्टिंग देमसेल्व्स, के वो खुद को नुकसान पहुंचाए बिना ही मुश्किल अफाल जो हैं वो अंजाम देते हैं, इसको टिक कर दें। बेटे, उसके बाद नंबर 2 है, हेयर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट, हेयर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ स्टंट मैन एंड स्टंट वुमेन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स वाइल परफॉर्मिंग स्टंट्स, सम ऑफ देम आर ट्रू एंड सम फॉल्स, राइट टी अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स। इसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं जो करतब करने वाले मर्द और करतब करने वाली औरतों के बारे में हैं, जब वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपनी तो वो उन चीज़ों को अपनाते हैं, कुछ उसमें से सही हैं कुछ उसमें से गलत हैं। बेटे, जो सही हैं उसके आगे आप टी राइट करेंगे, ठीक है? नंबर ए है, दे वेयर द सेम क्लॉथ्स एज द स्टार, स्टार होने की हैसियत से उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। टी करें, टी लगाएं यहाँ पे, ये ट्रू है। दे वेयर स्पेशल क्लॉथ्स दैट विल नॉट कैच फायर, उन्होंने स्पेशल किस्म के कपड़े पहने होते हैं जो आग को नहीं पकड़ते, ये भी ट्रू है। दे वेयर पैडिंग अंडर देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने क्लॉथ्स के नीचे से और अपनी पैडिंग यानी उसके नीचे से और ज़्यादा अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ मतलब कपड़े वगैरह यूज़ किए होते हैं, ये भी सही है, ट्रू। टी राइट करें। दे वेयर द सेम मेकअप एज द स्टार, एज अ स्टार उन्होंने एक जैसे मेकअप किए होते हैं, ये भी बेटे ट्रू है, टी राइट करें। दे डू नॉट यूज़ रियल गन्स एंड नाइफ्स, वो इस्तेमाल नहीं करते रियल असली गन्स बंदूकें एंड नाइफ्स और चाकू, वो फिल्म में असली बंदूकें और चाकू इस्तेमाल नहीं करते, बेटे ये भी ट्रू है, टी राइट करें। दे गेट हर्ट वेन फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, वो अपने आप को ज़ख्मी करते हैं जब वो बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं, बेटे ये रॉन्ग है, फॉल्स है, इसमें एफ राइट करें, क्योंकि वो खुद को ज़ख्मी नहीं करते। दे वेयर रबर मास्क, वो रबर मास्क पहनते हैं, बेटे ये पिक में जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, नीचे उनका फेस और है, ऊपर वो रबर मास्क चढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो रबर मास्क वो पहनते हैं, ये ट्रू है। नेक्स्ट पेज पर आए बेटे, नेक्स्ट पेज पर हमारे पास, फाइंड वन वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और साथ में स्पेस दिया गया है, ठीक है? आपने उनको रीड आउट करना है और देखना है ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कौन सा ग्रुप है। नंबर एक है, क्रॉस बुलबुल्स स्पैरोज एंड माइनर्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्री इन माई गार्डन, तो बेटा ये क्रॉस बुलबुल्स ये क्या हैं, ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स परिंदे, ठीक है? यहाँ पे बर्ड्स राइट करें। नंबर 2 पे है, आई लाइक रोजेस जैस्मिन सनफ्लावर्स एंड डहलियास, बेटे ये फूलों के नाम हैं, इसके नाम हैं फूलों के, रोजेस जैस्मिन, यहाँ पे आप फ्लावर्स राइट करेंगे। नंबर 3 पे है, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय पोटैटोज टमेटोज कैबेज कैरेट्स एंड कॉलीफ्लावर्स, बेटे ये सब्जियों के नेम हैं, यहाँ पे आप वेजिटेबल्स राइट करेंगे। आई पैक द शर्ट्स ट्राउजर्स टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स इन माई सूटकेस, तो ये बेटे क्या हैं, कपड़े हैं सारे, शर्ट्स ट्राउजर ये कपड़ों में आते हैं ना, यहाँ पे क्लॉथ्स राइट करें, ठीक है? उसके बाद है, द शॉप ऑपोजिट आवर हाउस सेल्स स्पेक्टिकल्स सनग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंसेस एंड बाइफोकोल, ठीक है? एंड बाइफोकोल्स ये किस में आ जाती हैं, एक्सेसरीज में,
मसलन मतलब कि नमूदो नुमाइश में आती हैं असेसरीज़। असेसरीज़ का स्पेलिंग राइट करेंगे ACCESSARIES असेसरीज़। ये असेसरीज़ नमूदो नुमाइश में आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास फाइव ऑफ द फॉलोइंग सिनेमा वर्ड्स हैव बीन मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड इसमें गलत हैं, हिजे। कैन यू स्पॉट देम एंड राइट देयर करेक्ट स्पेलिंग्स। इसमें बेटे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो दी गई हैं जिनको आपने करेक्ट करके राइट करना है। नंबर एक है डायरेक्टर, इसमें प्रोड्यूसर म्यूजिशियन आ जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर में मिस्टेक है बेटे, प्रोड्यूसर है PRODUCOR नहीं आना, CER आना है। ओ को कट कर दें और उसके ऊपर ई राइट कर दें, प्रोड्यूसर। नंबर टू पे है प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक सिंगर इसमें एडिटर और कैमरामैन आते हैं बेटे। एडिटर में मिस्टेक है, ADEDITER लिखा हुआ है, ई को काट दें, OR लिखें, EDITOR एडिटर और कैमरामैन, CAMERAMAN कैमरामैन, ठीक है। उसके बाद है बेटे हीरोइन, उसके बाद क्या है हीरो से हीरोइन। हीरोइन के आगे उन्होंने ई नहीं लगाया हुआ, इसके आगे आप ई लगाएंगे। और विलन बेटे, विलन के स्पेलिंग भी रॉन्ग है, विलन के स्पेलिंग है VILLAN विलन, विलन VILLAN विलन। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बेटे। ये हैं ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस यू हैव हर्ड, ठीक है। आपने जो पीछे उसमें पढ़ा है यूनिट्स में उसके हिसाब से आपने ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपने राइट करना है। नंबर वन, द फर्स्ट थिंग नेसेसरी फॉर फिल्म मेकिंग इज अ, जो नेसेसरी चीज़ है उसमें सबसे पहले वो क्या है, स्क्रिप्ट यानी तहरीर, स्क्रिप्ट यानी तहरीर। उसके बाद है स्क्रिप्ट के स्पेलिंग में बोल दूँ SCRIPT स्क्रिप्ट। सेकंड में है अ स्क्रिप्ट राइटर राइट्स द, स्क्रिप्ट राइटर्स क्या राइट करता है, डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी, स्टोरी की बुनियाद पर वो डायलॉग लिखता है, DIALOGUE डायलॉग, ठीक है। द डैश टर्न्स द स्टोरी इनटू अ फिल्म, बेटे स्टोरी को फिल्म में कौन तब्दील करता है, कौन टर्न करता है, कैमरामैन, CAMERAMAN कैमरामैन, ठीक है। नंबर फोर पे है द डैश यूजली चूजेस द एक्टर्स, एक्टर्स को कौन चुनता है, कौन चूज करता है, डायरेक्टर करता है, द डायरेक्टर DIRECTOR डायरेक्टर, द डायरेक्टर यूजली चूजेस द एक्टर्स। नंबर फाइव है द ऑर्डनरी पीपल हु एक्ट इन फिल्म्स आर कॉल्ड, जो फिल्म में लोग काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्टर्स, क्या कहते हैं, एक्टर्स, ACTORS एक्टर्स। बेटे यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर फोर जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसकी एक्सरसाइज भी होगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स और डीक्वर्ड्स भी आपके पास हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।